आज का ये वीडियो आधारित है फ्री बल्क व्हाट्सएप भेजने के लिए एक जो हमने टूल पर बात किए थे वो है प्रोसेंडर, उसकी न्यू अपडेट पे। चूंकि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मनोज जी, इन्होंने एक कमेंट किया कि अभी 1 सितंबर 2024 को न्यू अपडेट आया है जिसमें कस्टमाइज्ड मैसेज नहीं जा पा रहा है, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाए, थैंक्स। तो सबसे पहले मनोज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चीज़ को अवगत कराया कि अभी जो नए अपडेट में है आपको वो काम कर रहे हैं तो आपको कुछ एरर आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि नई अपडेट पे हमने कोई वीडियो भी नहीं लाया है, तो इसी बहाने एक नई वीडियो इस नए अपडेट पे, नई इंटरफेस पे आज का ये वीडियो रहेगा। क्योंकि जो भी अपडेट नया आता है तो कुछ उसमें इंटरफेस में बदलाव होता है, कुछ ऑप्शंस में बदलाव होता है, तो नो डाउट जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया मे बी उनको भी कुछ इशू आ रही हो तो उनका भी रिसोल्व हो जाएगा। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी आपको लगता है कि हमें सुझाव की ज़रूरत है तो न्यू वीडियो के लिए, तो ज़रूर आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू कुमार। मैं अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्ट रखते हैं, अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कराना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधे डेस्कटॉप पे यानी लैपटॉप स्क्रीन पे और इस चीज़ को समझते हैं कि क्या नया अपडेट है और उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। ख़ासतौर पर मनोज जी की जो इशू थी उस इशू को भी हम लोग रिसोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मैंने फिलहाल आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और जैसा कि आप जानते हैं प्रोसेंडर यूज करने के लिए आपको वेब व्हाट्सएप पहले लॉगिन करके रखना होता है, यानी कि जिस भी नंबर से आपको व्हाट्सएप सेंड करना है उसको आप यहाँ पर यूज करना होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ और मेरे पास तो प्रोसेंडर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सिंपल यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये इंटरफेस हो गया ओपन। अब ये आप देख रहे होंगे कि यदि आप पहली बार इस इंटरफेस को देख रहे हैं पुराना यूज करने के बाद, तो रियली आपको भी ये लग रहा होगा कि ये नया जो है इंटरफेस है इसका। ये जो ऑप्शंस दिख रहा है गैप बिटवीन जो टाइम लाइन हम लोग देते हैं बैच ऐड करने का या टाइम गैप बिटवीन बैचेज, तो ये पहले नीचे हुआ करता था और ये ऊपर बढ़ी, उसे कह सकते हैं कि बेहतर खूबसूरती से आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप पहले से उपयोग कर रहे होंगे और जो आप टाइम गैप रखे होंगे, जो भी आप बैच रखे होंगे, जो भी टाइम गैप बिटवीन बैचेज रखे होंगे, वो ऑटोमेटिक इसमें भी सेट हो जाएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं यानी कि पहली बार आप यूज करने चाह रहे हैं प्रोसेंडर का, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इस पर हमारी पहली वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उसको जाकर के ज़रूर आप देख लीजिएगा। आपके सुविधा के लिए उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे टाइम गैप बिटवीन मैसेज यानी हर एक मैसेज के बीच का जो टाइम गैप है वो 30 से 40 रिकमेंड करता हूँ, 40 मैं खुद यूज किया हूँ। इसके बाद सेंड इन बैचेज ऑफ, तो यहाँ 5 मैसेज यानी कि व्हाट्सएप भी एक बार में 5 मैसेज को भेजने के लिए बोलता है, तो इसलिए हम 5 रखे हैं और एक बैच से दूसरे बैच के बीच में भी 40 सेकंड का गैप रखे हैं। ये तो गैप जरूरी है यदि आप अपने नंबर को बैन होने से बचाना चाहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड मैसेज यदि आप करते हैं, कोल्ड नंबर पे यानी न्यू नंबर पे आप मैसेज भेजते हैं, तो उस स्थिति में यदि उन लोगों के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा तो भी आपकी व्हाट्सएप नंबर बैन हो सकती है, क्योंकि इस तरह की लोगों के साथ होती है और वो हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो उस चीज़ को मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। तो प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ना करें, ये पहले प्रयास करें कि उनके तरफ से मैसेज आया हो और देन आप एक तरह से कह सकते हैं कि मैसेज जो व्हाट्सएप पे है वो आप भेजे एज ए बल्क व्हाट्सएप। तो फिलहाल ये थोड़ी सी टिप्स रही। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि एक नई चीज़ आ चुकी है, वो है ग्रुप पर भेजने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे स्विच किए तो नंबर हो गया और ऐसे स्विच किए तो ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप में एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रुप में कैसे भेजेंगे, तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे नीचे में सर्च ग्रुप बाय नेम है। अब जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा जो ग्रुप है वो मेरे पास आ चुका है।
अब सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करते जा रहे हैं, ग्रुप ऐड होते जा रहा है, क्लिक करते जा रहे हैं, ग्रुप ऐड होते जा रहा है, क्लिक करते जा रहे हैं, ग्रुप ऐड होते जा रहा है। और यहाँ से आप मल्टीपल ग्रुप में एट ए टाइम आप भेज सकते हैं सेम व्हाट्सएप मैसेज। तो ये चीज़ हो गया बल्क व्हाट्सएप भेजने का, ग्रुप में ये नया इसका इंटरफेस आ चुका है, तो बहुत ही आसान है। दूसरे तरफ जो बेहतर चीज़ हुई है वो ये कि आप जैसे ही इसको नंबर में लाते हैं तो पहले हम लोग को मोबाइल नंबर में 91 ऐड करना पड़ता था और उसके बाद हमारी यहाँ नंबर फीड करनी होती थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सिंपल आपको नंबर डाल देना है और ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ये 91 आ गया है इंडिया का। आप यदि कहीं दूसरे जगह से हैं तो आप अपनी कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सिंपल आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वो नंबर डालिए, ऑटोमेटिक जो प्रीफिक्स होता है कंट्री कोड वो आ जाता है। तो फिलहाल ये एक अच्छी सुविधा है, आपको 91 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं, आप एक्सेल शीट के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका जो मैसेज है वो आप लिख सकते हैं, जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हैं। इसके अलावे यहाँ पे देखेंगे अटैचमेंट का ऑप्शन यहाँ आ गया है, पहले यहीं पर अटैचमेंट का ऑप्शन हुआ करता था, बट ये आसान हो गया। आप सिंपल जैसा कि दिया हुआ अटैचमेंट का आप क्लिक करेंगे, जैसे हमको कोई भी अटैचमेंट करनी है, अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम एक ले लेते हैं लोगो, अब ये हमने ले लिया। अब जैसे ही हम ये इमेज लेंगे एक नया ऑप्शन खुलता है कैप्शन का, जो कि पहले नहीं था। अब कैप्शन में और जो डायरेक्ट मैसेज आता है उसमें मैं आपको थोड़ी सी अंतर बता दे रहा हूँ, इसके लिए चलते हैं व्हाट्सएप पे। ये देखिए ये जो मैसेज गया है ये कैप्शन है, यानी कि जस्ट फोटो के नीचे ये साथ में ही, यानी कि फोटो के साथ ही मैसेज यदि आप भेज रहे हैं तो ये आपका कैप्शन कहलाता है। और यदि इस तरह से आप मैसेज भेजे और उसके बाद उसके नीचे दूसरा मैसेज एज ए फोटो गया तो ये डायरेक्ट मैसेज और फोटो सेपरेटली हो जाता है। कैप्शन में है कि एक ही साथ जाता है और इसमें फोटो आपका ऑलवेज टॉप पे रहेगा और टेक्स्ट उसके नीचे उसी के साथ रहेगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शंस दी हुई है प्रो सेंडर की तरफ से, जो कि हम यूज भी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये नई अपडेट हमको मिली, यहाँ पे आप रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं, जितने भी कंप्लेन किए रहेंगे यहाँ आपको नीचे आते रहेगा, सिंपल क्लिक कीजिएगा और एक्सेल में आपका डाउनलोड हो जाता है। तो ये नया अपडेट है। अब चलते हैं उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि अपना एक के एक्सेल शीट कर लेते हैं अपलोड और हमने टेस्टिंग नाम रखा है, हालांकि पहले से भी हम उसी पर टेस्ट किए थे। अब जैसे हमने लिया उसमें जितने भी मोबाइल नंबर होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, मेरे एक्सेल शीट में एक नंबर, मैं एक्सेल शीट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने एक्सेल शीट ओपन करके रखा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आप कस्टमाइज भेजना चाहते हैं तो ध्यान रहे पहला कॉलम कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए और पहला रो वो हेडिंग के लिए होना चाहिए, यानी कि पहले रो से आप मोबाइल नंबर शुरू ना कर देंगे। इसी तरह से पहले कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, नेम लिख लीजिए, मैसेज लिख लीजिए और जो 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 आपको कॉलम्स यूज करना है वो टोटल ले लीजिए। हमने तीन लिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान देंगे कॉन्टेक्ट नंबर, नेम और मैसेज है, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, नाम हो गया और यहाँ पे जो भी मैसेज देना है। आप यूनिक मैसेज भी लोगों को भेज सकते हैं। तो फिलहाल क्या है, हम लोग आते हैं अगेन अपने प्रो सेंडर पे और यहाँ पे आपको पता है कि जो हम यहाँ मैसेज देंगे जैसे कि हेलो। अब यहाँ पर मनोज जी का प्रॉब्लम ये है कि जो काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं पहले यहाँ एक ऑप्शन हुआ करता था अटैचमेंट करके ये पर्सनलाइज मैसेज करके, जिस पर हम क्लिक करते थे तो उसमें जितने भी कॉलम होते थे उसका ऑप्शन आता था और उस पर क्लिक करते थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो पैरामीटर पास हो जाता था, लेकिन ये ऑप्शन अब तो है नहीं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको याद होगा कि जब हम लोग पैरामीटर पास होती थी तो कुछ ऐसा होता था कि डबल लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस होता था और बीच में कॉलम का नाम, जैसे हमको यहाँ नाम देना है तो नेम लिखेंगे और फिर डबल राइट कर्ली ब्रेसेस, सेम चीज आपको डायरेक्ट उपयोग कर लेना होगा। अब जैसे यहाँ पे आप उपयोग कर लिए, अब इसके बाद हमने जो मैसेज लिखना है, आप जैसे हम तो ये टेस्टिंग पर्पज से लिखे हैं तो टेस्टिंग ओके कर दिए, यहाँ फोटो लगाए हैं, आपको ये मैसेज है। और देखिए कैप्शन में भी सेम काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज हम इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप आते हैं तो ये ऑप्शन कस्टमाइजेशन वाला, तीनों कॉलम ऑटोमेटिक आ रहा है।
यानी कि यदि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट के अलावा हम ऐसे भी लिखे हेलो और यहाँ पे नेम पर क्लिक करेंगे तो सेम पैरामीटर पास हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका आराम से आ रहा है, जबकि मैसेज वाले सेक्शन में ये नहीं आ पा रहा है। तो कैप्शन हालांकि बेहतर रहता है, अब यहाँ पे टेक्स्टिंग कैप्शन लिख दिए तो दो चीज़ हो गई, एक फ़ोटो के साथ होगा मैसेज जिसके नीचे लिखा जाएगा हेलो और जो नाम में लिखे हम नाम, और एक चीज़ और बता दूँ, हमको मानकर चलिए मैसेज भी देनी है तो सिंपल है, ये मैसेज पर क्लिक करेंगे और जो मैसेज हम वहाँ लिखे हैं वो भी यहाँ पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने टेस्टिंग के लिए एक नंबर है मेरे एक्सेल शीट में मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया है। अब हम करते हैं यहाँ पे सेंड। अब मैं आपको बता दूँ ये हाइड हो जाता है तो पुनः उस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। अब सेंड पर क्लिक करते हैं और ये चूँकि एक ही बार में चला भी जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है। देखिए यहाँ पे ये भी एक अच्छी चीज़ है, आपको दिखा देता है कि आपने एक नंबर को भेजा और चला भी गया। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे में ये हमने एक सारथी एजुकेशन का लोगो यूज़ किया था, जो ऊपर आप देख रहे हैं हेलो गुड्डू कुमार टेस्टिंग ओके, तो ये गुड्डू कुमार जो है ये आपका पर्सनलाइज नेम के रूप में आ चुका है, टेस्टिंग ओके है। अब ये देखिए कैप्शन में हमने उपयोग किया हेलो गुड्डू कुमार आ गया टेस्टिंग कैप्शन और हेलो टेस्टिंग मैसेज, ये चूंकि जो हमने यहाँ मैसेज में लिखा हैलो टेस्टिंग मैसेज तो इसलिए टेस्टिंग मैसेज पास हो गया, ये चूंकि टेस्ट के लिए था आप मैसेज में जो लिखेंगे वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने प्रो सेंडर की सहायता से पर्सनलाइज एसएमएस यानी कि मैसेजेस आप भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हुई होगी और आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको भी जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप अपने बिजनेस ओनर दोस्तों के साथ या जो बल्क के व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिसके सहायता से हमें भी कुछ आपकी समर्थन मिल जाती है, आपकी हेल्प मिलेगी और हमारी चैनल को ग्रो हो कराने में आपकी मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। यदि आपके पास भी कमेंट है तो कमेंट भी जरूर दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।